घर में एकदम सामने मैम मैम बोदोफी है या क्या बात किधर वाला उधर वाला उधर क्या करूँ प्रोग्राम में मेरे आगे काम मैं क्या करूँ हार्डली वो लुक बाइकर लुक है बाइकर लुक और ये बाइक देखनी चाहिए बाइक का स्टाइल एकदम अलग है बाइक का स्टाइल ही अलग है चला चला बाइक का जो है वही है करन ये स्ट्रीट स्ट्रीट आप लोग कैसे गुड आई एवरीथिंग रॉकिंग चलो आ जाओ करते हैं ड्रीम बुक आप लोगों ने खाया कुछ खाया पिया डाइट नहीं डाइट मेरा डाइट है इसलिए तो टाइट फिट हो चलो वन मोर या थैंक यू वेरी मच आपको शुरू हो Come closer, come closer.
Who's that man? So he's a gentleman here, supposed to of a dream golf course. Guys, can you just come closer? Yes. Sir. So you can just come closer. Yeah. Nakash bhai here in the center here. Karan, sir, center. Okay, thank you. So let's jump into the song details now. So मैंने सुना है कि लंदन के बहुत ही क्लासिक जगहों पे ये शूट हुआ है एंड वहाँ पे जरा ये शूट बट लास्ट मिनट कुछ नेचुरली हमेशा सब मतलब सारे प्रोडक्शंस में होती है फ्रॉम द बिगेस्ट टू द बिगेस्ट के कुछ परमिशंस नहीं मिले बट लास्ट मोमेंट इशू सो पीपल लाइक रेडी वरिड के यार कैसे कंप्लीट कैसे कर पाएंगे बट व्हेन यू हैव दिस मैवरिक इन द हाउस आप मतलब इसको पांच नहीं दे दो गाने के लिए ना कम पड़ते हमने ये पूरा गाना वी शॉर्टेड इन व्हाट 20-25 आवर्स एट अ स्ट्रेच सॉन्ग स्ट्रेट फ्रॉम 7 o'clock से लेकर 12-1 बजे तक भाई कंटिन्यूस एंड द एनर्जी वाज सो लाइवली सो मतलब दैट वाज योर एनर्जी अरे यार इट्स अ लॉट ऑफ फन यू नो व्हेन यू हैव अ टीम लाइक दिस यू रियली रियली एंजॉय एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर दैट किसी की हालत नहीं थी लंदन घूमने की ओके सब गिर चुके थे पड़ चुके थे और मैंने तो खाना भी नहीं खाया बिकॉज जिस तरह का टी शर्ट इन्होंने और ड्रेस डिजाइनर ने चूज किया आपने देखा यह नेटेड सी थ्रू हाँ जहाँ पे एक इतना भी नहीं दिख सकता तो मैंने पूरे दिन खाना ही नहीं खाया और क्लैम्स आ रहे थे इतना डांस करवाया इन्होंने मतलब इट वॉज अमेजिंग It was, and every time actually, you know what I really feel? I felt bad that you were not there and even you were not there. Because बार बार ये बोलूँ कि जिस तरह गाना कंपोज हुआ है, जिस तरह गाना गाया है, लिरिक्स जिस तरह लिखे, what an amazing, मतलब literally वो बोलते हैं माया वो, हम कहते हैं मुंबई माया नगरी है, ये गाना represents मुंबई. Yeah. Woo! क्या बात है यार, बहुत बढ़िया. So, of course, मतलब परमिशन की आपने बात की तो मुंबई में भी कहीं जगह नहीं मिलता है तो आप बेसिकली मजे करके आए हो एक शानदार वीडियो शूट करके आए हो राइट सो अजीज आप हो गए ओके कैन यू प्लीज लाइक सिंग फ्यू लाइंस यस्टर डेस्टिनेशन ड्रीम बुक ना बोल के गाया है नकाश ने भी ब्रांडिंग पूरी की है नकाश ओके सो बस इतना ही उन्होंने खुद ही लिखा है ये गाना और मैंने देखा है वीडियो एंड दे बोथ हैव डन एन एक्सेप्शनल जॉब एंड वेल दे आर वेटरन्स एंड यू नो जितना बोलो उतना कमी है एंड मैंने भी बहुत एंजॉय किया ये गाना गाने के टाइम पे एंड काश तुम लोकेशन पे होते मैं तो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते मेरी आवाज तो बहुत मेहनत आई वाज देयर इन स्पिरिट मेरी आवाज थी वहां पर सो आई थिंक दैट्स फाइन आई लव यू थैंक यू ग्रेट ग्रेट सो नाउ वी हैव कौन से भाग से आप आई लिव इन बॉम्बे बट आई एम फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम द फिलीपींस Okay. Yes. Okay. So, sir, कैसा experience रहा पूरा ये? See, when I got the song, first thing that came in my head was this man. I mean, I couldn't think of anybody else for this man to play the role. It's a Casanova thing. It's playful and someone who can dance. You know, a very good actor and obviously. A very very popular person. ये जो कैसेनोवा की इमेज तो तुम मुझे दी है ना वो बिल्कुल गलत है ठीक है तो मैं उसके विपरीत हूँ बस नहीं वो एकदम नेचुरल आया है So yeah. I had a lot of fun shooting the video. Even though you know, ज़्यादा time नहीं मिला, but I think we've done a great job, yeah. And because of this man, I think the energy while shooting the video was super. Great. So you can call him Sanskari Casanova.
Absolutely. He comes so like that, but when the song starts, then he goes on into the character. Okay, so yeah, international touch bhi aap mein hai, Philippines se aap aaye hue hain. So why don't we shake our legs on this song? A little. Teaser hai, par ek aad step to banta hi hai. Come on, dono saath mein kalmi sir, aap aur aap please. Baja rahe sir, baja rahe. Bajao, 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 Nakash. मुझे चाहे बनाना पैसा कितना गुना सुना सुना पैसा खाना का है तू और से सुना पड़ जाएगी तू पैसा से जैसे ताला लगा है लंगर तू खाना आखिर कितना खाएगा मनी 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 जब ताजा तू वो सेवन मनी नहीं तो सब हेल है मनी है तो सब है वजह है जब हम लोग ये रिकॉर्ड करने गए तो सिद्धांत मुझे इतना गवाया उन्होंने इतना गवाया कि
हम लोग में हाथापाई हो गई और बहुत बहुत मारा हम दोनों ने एक दूसरे को और इनको फिर हम अस्पताल लेकर गए क्योंकि ऑब्वियसली मैं वो फाइट जीत गया क्योंकि मैं सही गा रहा था फिर भी ये बोल रहे थे नहीं ऐसा गाओ तो हम लोग की वो हो गई झगड़ा हो गया और फिर हम दोनों को झगड़ा करते देख के साउंड इंजीनियर भी हम दोनों को मारने लग गया तो बहुत मारा मारी की हमने उस रिकॉर्डिंग में और फाइनली जो गाना बन के निकला वो बहुत ही खूबसूरत बन के निकला 7 दिन बेड रेस्ट भी इन्होंने किया और इट वॉज क्वाइट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एनर्जी हाँ एनर्जी बहुत मतलब वो गाने के अंदर भी इतनी एनर्जी थी आ गई वो हाँ वो हम भी जब सुनते थे ना तो एनर्जी मिलती थी हाँ नहीं बहुत पर सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गवाया है इसने मतलब बहुत एक वर्ड नहीं छोड़ रहा था वो बोल रहे नहीं नहीं वो वैसा चाहिए वो वैसा चाहिए फिर मैं बोला तेरी तो इधर धाप धूप ये हो गया और फिर हमारे सारे गाने में मार खाता हूँ हाँ बिकॉज मैं छोड़ता नहीं हूँ और फिर एंड में ये इरिटेट होके मारते हैं नहीं पर बहुत मुझे बाद में बुरा लगता है क्योंकि गाना अच्छा साउंड करता है दैट्स ग्रेट मुझे कुछ भी अलग करना होता है तो ही इज माय ओनली चॉइस और नकाश के आगे मैं सोच नहीं पाता क्या बात है कुछ भी ऐसा सॉन्ग होता है तो नकाश इज द ओनली पर्सन हु कम्स और हमारा जो भी इससे पहले भी जो सॉन्ग हमने किए हैं जो भी आया है वो सब कुछ लाइक हम लोग फिर जो मन में आता है वो करते हैं फिर हम लोग मन मर्जियाँ करते हैं बेसिकली राइट हम दोनों जब मिलते हैं तो फिर कुछ जो मन कर रहा है वो करते रहते हैं तो वो एक बड़ा मज़ा आता है कि कोई पैटर्न नहीं रहता है उसका कि आप फ्री हो जो करना है करो एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट एज अ सिंगर हॉस्पिटल भी पहुँचाता है बेचारा मार के मतलब ये बात सच है नहीं हम लोग जो करना है वो करते हैं हम लोग लाइक यू नो सीलिंग पे चढ़ के गा लेते हैं कुछ भी जो जैसा लेट के गालो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन बहस होती है बहस मैं आपको एक जो आप दोनों की जुगलबंदी है ना जी लेट के गालो ऊपर चढ़ के गालो इधर कर लो ये मुझे हम दोनों की वैसी जुगलबंदी है ना तू लेट के डांस कर ले तू ऊपर चढ़ जा तू कुछ भी कर ले कर ले इसने मुझे एक लाइन बोली जो मैं बोल नहीं सकता हूँ इसने एक शब्द यूज किया था तो आप बीप पे वो समझ लेना क्या है पहला शॉट हुआ ओके मैं आता हूँ नर्वस नेचुरली बिकॉज रोयल के साथ काम कर रहा हूँ हाँ अवार्ड धारी हैं ये हाँ बहुत ज़्यादा अवार्ड धारी हैं मतलब डांस स्टेप्स को लेकर बोले तू है ना एक नंबर का एच डॉट 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 एम आई लग रहा है हाँ प्लीज इसको बीप कर देना तो मैं अनपार्लियामेंटली लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा वाज अ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट अच्छा लग रहा है ये कैसा है ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो मेरी बेइज्जती कर रहा है रियली बोले नो नो इट इज शूटिंग द दिस थिंग यू नो यू लुकिंग लाइक दिस यू आर लुकिंग लाइक दैट सेम सेम वही चीज सेम 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 हां तो वैसे ही एच डॉट 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 साउंड कर रहा है अब मेरा क्या रहता है वाओ क्या गाया है एक और लेते हैं क्या बोलेगा यार अभी ये परफेक्ट है एक और लेते हैं ओके ठीक है तो एनीवेज बट इट्स गुड देखिए टीज़र का काम ये है कि इट शुड टीज यू इन अ वे दैट यू वांट टू वॉच द होल थिंग और मैं जब से टीज़र देख रहा हूँ मैं सब इनको भी बोला इनको भी बोला उनको भी बोला कि पूरा किधर है यू नो आई एम लाइक वेटिंग टू वॉच द होल थिंग तो नहीं दिखा रहे अभी देखते कौन हॉस्पिटल पहुँचता है आज फिर से Honestly, Dreambook Forecast is being a part of this video. I think it's going to change a lot of things for me in terms of perception. लोगों को मतलब जिस तरह मैं act करता हूँ उनको लगता है कि हाँ ये वैसा type का है but इसके बाद तो छाप लग जाएगी ये वही है literally because मैंने ये बात कही है ये इसमें जो composition और lyrics है ना they are very dangerous. Yeah. They are very अगर आप पूरा गाना सुनोगे the lyrics and the composition is dangerous. It is literally जो मैंने वहाँ पर कहा कि बॉम्बे को माया नगरी बोलते हैं this song represents बॉम्बे मुंबई literally because it I don't know what more to say regarding the song but I love मतलब मेरे अंदर बस गया वो गाना तो I can imagine एक मतलब जो layman होंगे वो लोग तो they'll think this is it
ड्रीम बुक फॉरकास्ट इज इट यू नो सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस सो कहते हैं ना द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड लिटरली आपने वो प्रूव कर आप दोनों ने वो प्रूव किया है आई एम नॉट किडिंग इट्स कमेंडेबल दैट यू कैन राइट विदाउट एनी एफर्ट यू नो एंड यू राइट ब्यूटीफुल आई थिंक जो बात अगर दिल तक पहुंच जाए तो आई थिंक इट्स दिल तक ये तो दिमाग को खराब कर देगा ये गाना ये लिरिक्स आई एम किडिंग यू नॉट एक्चुअली क्या होता है मैं गाना शुरू करता हूं तो लगता है ठीक है ओके ओके फिर उस पे जब सिंगर डब करता है तो नहीं यार अच्छा बन रहा है लेकिन फाइनली जब मैंने वीडियो देखा देन आपने पूरा वीडियो देखा नहीं अभी तो यही देखा अभी तक यहां मुझे भी इन्होंने यही देखा है तो बदमाश लोगों ने यही दिखाया है मैजिशियन ही लिटरली मैन ही इज क्रिएटेड तो मुझे लगता है कि यार अच्छा गाना बन गया You know, again, sorry, just want to add a little bit more on this, on the point what I said about how this song represents dream book forecast and how it's dangerous, but it's going to be very helpful for dream book forecast also. True, but I looked at it as a very philosophical song. Yeah. It is very, bro, it is philosophical enough, you know, what do you say? I don't want to say the word, man, but literally, it is philosophical. That one line which comes in. But in a very. That is killing. We are teasing you guys. We are no, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. Angel और devil होते हैं ना. अब आप समझ लो ये गाना क्या है. But I hope you guys liked it, यार मतलब क्योंकि आप लोग you guys do this on a daily basis. मैं बहुत videos देखता जहाँ पर you know press conferences होते हैं. And I just enjoy जो साइड से आवाज़ें आती हैं राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट जो आवाज़ें आई जस्ट लव दैट साउंड एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कितना चैलेंजिंग He didn't want me to wear clothes. He wanted me, I said. That is why you made some good body, na? That is for that. How challenging it was to shoot in London? For me, obviously to put this together. I mean, I must say that it wasn't very challenging compared to the songs that I've shot before. Why? Because this man is just naturally amazing. He gave me one shot in everything. And whatever, I just told him, like, you know, do what you do best when you're on screen and that's what he did. I mean for me it was very easy because I know he can dance, he acts very well. And just given the character and he plays it so well and so yeah it went like a makhan for me for sure. And I've shot a lot of promotional songs for films, for other projects, for ad films and stuff, but I never thought I would shoot something like this for a product. Yeah, I know. Really. Yeah, generally, music videos are like music videos. Yeah. But for Dream Book Forecast was so generous to you know let us do whatever. Absolutely, because I think the whole this concept is only like that. Okay, you know, it's dreams. Fulfill your dreams. Yeah. Did you fulfill your dreams? I really want to share one incident ke ye jo badmash hamare director aur dress designer hain okay these guys wanted ke well they had some options of very those Versace kind of shirts and all I said no kuch to matlab change go with the designer go do matlab get me clothes that look like it's a that you're a Casanova like people want to eat you that. Yeah to hum log gaye to the mall There was nothing available. हम लोग वापस बाहर आ रहे थे तो हमारी जो डिजाइनर है वहाँ पर लेडी सेक्शन में उन्हें ये नेटेड टॉप मिला जो एक लेडीज का है लेडीज टॉप मैंने पहना हुआ बिकॉज मैंने देखा था वाओ लिटरली बिकॉज वी वॉन्टेड समथिंग लाइक दिस फॉर इट अब एक और इसमें अब लोग हंसोगे बट दिक्कत ये थी कि ये शॉर्ट क्रॉप है okay because actually it's a netted t-shirt the short but if main haath upar karta to ye upar chala aata you actually gonna say that of course man this is part of it so hum dono ko idea aata hai kaam karte hain jo wo ladies ek wo pehante hai na body suit niche se jo button hota hai we actually went to a lingerie store we bought a body suit we cut the body suit and we oh my god
so that when I put my hands up. Because this guy, he wanted me to go, you go wild in the dance. So, abhi baap upar karo, yahan pe mere navel dikh raha hai, to ajeeb lagega na, thode baal wal aaye hue hain. So, acha nahi lagega. So, like really hilarious incidents we've had, and it was a pleasure. It was seriously a pleasure working with him. It was funny. Absolutely. Yeah. रियली मुझे अभी वो कहाँ गई हमारी जो होस्ट है मुझे संस्कारी कैसनोवा बोल दिया मतलब आई वॉज नेवर अ कैसनोवा वाली इमेज नहीं थी मेरी कभी भी मेरी एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट एक यू नो एंटी हीरो काइंड ऑफ इमेज थी ये गाने के बाद बोला कि तू मेरी इमेज है ना वो सही कहा उसने संस्कारी कैसनोवा आई लव माई फैमिली आई एम अबाउट किड्स आई एम अबाउट वाइफ आई एम अबाउट फैमिली मॉम डैड यू नो बहुत अच्छा माई सोशल मीडिया फीड इज ओनली अबाउट फैमिली लोग बोले तो अपना काम कब डालेगा मैं बोला क्या काम तो आप देख लो यार मुझे मैं दिखाऊं जो मेरी मतलब माय व्हाट आई लव इट्स सो ट्रू सो ट्रू ड्रीम बुक जो नाम है इतने अच्छे है इसके आईडिया किस से मिला ये किन का ये तो आई थिंक इन लोगों ही बता सकते हैं मैं आई वाजंट पार्ट ऑफ द इंसेप्शन आई थिंक आज आपका भी लॉन्च है गाना भी ड्रीम बुक पे आई नो इट इज आई थिंक द ऐप इज ओनली कॉल्ड ड्रीम बुक फॉरकास्ट Yeah, it is. It is. It's a UK-based company. Yeah. And it's a dream book song. So yeah. I would start from you, Sanjay. What would you like to say? Regarding dream book song or dream book. वो बनाते समय बस यही था कि like Maya and that what is the importance of money. उसके ऊपर like what it has importance in our life. So मुझे मुंबई ही याद आई. बिल्कुल आपने सही बोला कि it's all about Mumbai basically. और मुंबई से बड़ा पैसा तो कहीं है नहीं आई गेस सो ट्रू तो आप म्यूजिक मुंबई को विजुलाइज कर लो गाना अपने आप बन जाएगा मैं तो ऑलवेज जब वर्ड्स पढ़ता हूँ तो अपने आप यू नो इमोशंस निकल आते हैं और वही हुआ इसके साथ भी और जैसे मैंने कहा जब मैंने पहली बार जब लिखा अपने यू नो सिंगिंग पर्पस के लिए जब मैं लिख रहा था गाना ये मुझे डिक्टेट कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा ये बहुत फिलोसफिकल है और आई रियली फेल्ट द वर्ड्स एंड यू नो एक दो बार वी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑल्सो बिकॉज आई वाज टेलिंग यू नो द कपल ऑफ लाइंस इन दिस आर सो हैवी दैट यू नो इट्स वेल यू हैव टू लिसन टू इट एंड वन लाइन व्हिच आई लव्ड इन द एंटायर ट्रैक पैदा गरीब हुआ इसमें कोई बात नहीं है मरना गरीब पड़ा तो तेरी कोई औकात नहीं इट इज अप टू यू इट इज इन योर ओन हैंड्स जो भगवान ने दिया वो चेंज नहीं कर सकते ओम नमः शिवाय टू दैट सीरियसली दैट्स व्हाट एब्सोल्युटली यू नो वी आर नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम लाइन व्हाट आर यू सेइंग देव ही स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग एंड सेड कि ब्रो दिस इज सो हेवी आई नीड सम मैंने मैं बार-बार सो आई एम टेलिंग यू इट इज इट रियली इट दिस लाइन मूव में मैं जब लाइन रिहर्स कर रहा था मैं जिम में था वहाँ पर लंदन में एंड जैसे ये लाइन है शिट दिस इज सो मीनिंगफुल दिस लाइन मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ बार बार सोच रहा हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ अबाउट एक इंडिया के बारे में नॉट ओनली इंडिया टू द वर्ल्ड इफ यू आर बॉर्न पोएट इट्स ओके यू नो दैट इज व्हाट गॉड हैज गिवन यू बट आप जो बनाते हो अपने आप को आपके ऊपर अगर नहीं बना पाए तो कोई औकात नहीं रियली देन डोंट कंप्लेन ट्रू You yep. it, you have it in you, everybody. हम लोग यार we are made of stars, celestial powers. मतलब क्या किसी की क्या औकात के हमें कुछ भी बनने से रोक दे It's all about adding on in your life. It is in your hand only. Your destiny is in your hand. God is very fair and God gives very true. Everybody equal opportunity. Destiny सिर्फ play करती है कि आप जिंदा हो बस क्या बात कही आप जिंदा हो तो destiny आपके favor में wow. मर गए तो खत्म फोरकास्ट स्पोर्टिंग फ्यूचर जैसे हम लोग कुछ भी कभी समझ लो कि कुछ क्रिकेट गेम हो रहा है या फुटबॉल गेम हो रहा है तो कौन से टीम में क्या प्लेयर्स मेरे को जितना पता है मैंने भी पूछा था ये सवाल और ये फिर स्टॉक्स प्राइसेस कि क्या कंपनीज किस चीज़ में क्या इन्वेस्ट हो रहा है वो आई थिंक इट्स बेसिकली a forecast of where you can invest and you know of everything matlab sare jo bhi jo bhi professions hai na jo bhi kaam hai ye sab sab ki forecast batata hai sporting events business. shares business yeah. or maybe even equity yeah. to ye sab
आप जब गाना देखोगे ना आपको पता लग जाएगा, आप खुद ही पहुंच जाओगे वहां पे। वेदर फोरकास्ट नहीं है, वेदर फोरकास्ट सॉरी आप लोग इसी के लिए आए हैं, उसी में मदद करेंगे आप लोग कि जितने लोगों तक पहुंचे उतना आप लोग की मदद से होगा। आप एक बार गाना जब रिलीज होगा ना कल या परसों, आप देखना ये गाना जैसे सुनेंगे ना, ये वो कैसी आंख में है ना, वो आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, ये गाना ऐसा जाएगा सीधा ऐप के ऊपर ठक। ये गाना लिटरली वैसा नहीं, बहुत काफ़ी अच्छा गाना है। आई रियली लाइक व्हाट Yeah, the song is... I hope you guys also like it, yaar. Matlab, that's what matters the most. Yes, absolutely. Before we wind up, let's all of you sing a line or two of the song. I think you sing, yaar. Haan, yaar. Because I don't remember all the lines. I need my paper. Please. Even I will need my paper. Khud likh ke aisa kariye bolenge toh bhi rakhega chalega. Ye lip sync karega. Haan, main lip sync karta hoon. Have you mailed me the lyrics anytime? But this song also sounded like you. He sounded like you. Yeah, really. I know I had to make myself sound like him, man. Really? Like literally, I'm telling you, my meri starts kitna gunna meri nas phat gayi wahan par. Literally, I was seeing myself like, yaar ye tum kya ho, kaise ho? Haan, yaar. Haan. Very marked. Hey, you have it? Yeah, really. I'm searching. I'm glad for his voice. I think ye log chale jayenge tab tak. Search karenge. कितना गुन्ना बनाना कितना पैसा सुनना सुनना पैसा नहीं पैसा खनकता है तो आ गया मेरे पास बनाना पैसा कितना गुन्ना सुनना सुनना पैसा खनकता है तू गौर से सुनना बढ़ जाएगी भू पैसा जैसे जैसे आएगा लगा है लंगर तू खाना आखिर कितना खाएगा मनी 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 जब ताजा 24/7 मनी नहीं तो मनी है तो सब है हेवन सब है हेवन हाय हाय जो कशिश है ना नकाश की आवाज नेशन ड्रीम बुक स्क्रीमिंग एवरीबॉडी इन द नेशन ड्रीम बुक इट्स मनी इज योर ओनली पैशन ड्रीम बुक लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन माया है इसी की काया है माया नहीं तो कड़पती तेरी काया इसी की छाया है माया नहीं तो तड़पती तेरी काया ये जो है ना ये तड़पी तेरी काया जो इन्होंने ऐड किया ना आई मिस्ड इट ट्वाइस मैं ये बोला नहीं 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 वापस करा था क्यों लेना जरूरी है देयर वाज वन टाइम ही ओनली केम टू मी आई फॉरगॉट दैट कैन यू डू इट अगेन प्लीज थैंक यू गाइस थैंक यू गाइज फॉर बींग द थैंक यू फॉर द सपोर्ट थैंक यू सो मच आई एम सॉरी आप कुछ कह रहे थे आई कट यू Can you have just some fun element? Like, this too. No, not that well. Like. Get a fun element. Maya, Maya, Maya. Thank you. Yeah. We just do one solo also. एक नकाश एंड करण एक दोनों साथ में देन विल होला होला आई एम गुड ब्रदर माया माया थैंक यू हाँ करण मेरा सोलो नकाश एक सोलो भी लेंगे प्लीज नकाश एक सोलो भी लेंगे कैसिनोवा थैंक यू सर कवर कर ले यार अभी किसको इतना कहा है थैंक यू एक सोलो सोलो एक मिनट अरे दादा कहाँ घूम रहे हो अरे